So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम अपना पूरा डेली रूटीन बताए हैं व्लॉग के तरह से, सुबह से लेकर रात तक का कि क्या है मेरा रूटीन. तो इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आई सी कि बहुत से लोग देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना. सो लेट्स बिगिन. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के 8 बज चुके हैं, मेरा आराम बज चुका है और हम जाग चुके हैं. इतनी सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि आज वाइवा है तो उठ रहे हैं. अब कूलर बंद हो गया सबसे पहले, तो निकलो जल्दी से यहाँ से. ये मेरा मच्छरदानी मच्छरदानी खोलना, बेड सरियाना सबसे पहला काम. लेट्स डू दैट. अब जल्दी से जाकर ब्रश करते हैं और फ्रेश हो जाते हैं. चलो यहाँ पर ब्रश है सेंसोडाइन. मेरी रूममेट अभी है नहीं, मैम गई हुई है बाहर और अब हम रूम से बाहर निकले. रूम को लॉक कर दिए. ब्रश करने के लिए वॉशरूम में घुस गए. अब उसके बाद आयरन कर लेते हैं जो भी पहन के जाना है जवाइवा में. बहुत इम्पोर्टेंट है. और अब जाएंगे नहाने. कितना बाल्टी. और नहाने के बाद सबसे पहले सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक मेरा वही बनाएंगे. बस ठंडा पानी है मेरे पास, नॉर्मल पानी है नहीं तो फिर अब पानी भरने जा रहे हैं. हाँ, एक्वागार्ड से पानी भर लिए और अब पानी को गर्म किया जाएगा. देखते हैं कितना हुआ है. थोड़ा सा और गर्म पानी सुबह में पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आई गेस मेरे हिसाब से. तो अब नींबू निकाल लेते हैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. और अब जल्दी जल्दी से पानी को गर्म कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है और वाइवा देने जाना है. उससे पहले हम लाइब्रेरी भी जाते हैं. नींबू निचोड़ लिए जल्दी से और हनी भी डाल दिए. हनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है साथ में पीने के लिए. और अब ये मेरा ड्रिंक है रेडी. उतना टेस्टी नहीं लगता बट ठीक है. आई नो गर्म पानी समर्स में किसी को भी मन नहीं करता पीने का, स्पेशली सुबह सुबह उठ के सब ठंडा ही पानी पीना चाहते हैं. बट आई गेस ये बहुत ही अच्छी रूटीन है, अगर हर दिन फॉलो करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा, मतलब हमेशा सेहत रहेगा आप लोग का. सो इसको हमेशा फॉलो करना ज़रूरी है. गर्म पानी पीने के बाद एप्पल खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रिज से एप्पल निकाल लिए. आई नो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे बट स्टिल हैव एप्पल. एक्चुअली हम अलग से नाश्ता नहीं करते हैं, या तो कभी एप्पल खा लिए या अंडा बॉईल करके खा लिए. उसके अलावा हम डायरेक्ट लंच करते हैं जो फिर टिफिन रखने पर आता है. अब जल्दी से चलो वाइवा के लिए रेडी हो जाते हैं. मॉइस्चराइज़र लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी सब चीज़ों का. तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाने के बाद अब हम फ्रेंच चोटी कर रहे हैं ताकि मेरा गोल्डन हेयर सारा पीछे चले जाए और मेरे टीचर्स को नहीं दिखे और वो कुछ बोले नहीं. मतलब ऐसा तो नहीं बोलते बट स्टिल फ्रेंच ब्रेड बनाना जारी है. और अब बन चुका है मेरा फ्रेंच ब्रेड. कैसा लग रहा है दोस्तों? आगे में जो ये बाल दिख रहा है उसको भी पीछे करना पड़ेगा. वाइवा में थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर चलना ही पड़ता है. सो क्लिप लग चुका है और अब आई गेस हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं. अब बस अपना बैग बनाना है और निकलना है. बैग में माइक्रो का वाइवा है तो कुछ बुक्स रख लेते हैं और प्रैक्टिकल कॉपी और ये मेरी ठंडी पानी की बोतल. और बैग रेडी है. जल्दी से एप्रन पहन लो. शिट, एप्रन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एप्रन जल्दी से पहन लो. हाँ, और अब सोबिया हो गई है वाइवा रेडी, लेकिन पहले जाएगी वो लाइब्रेरी. अरे हाँ, टिफ़िन लेना तो भूल ही गए. टिफ़िन जाके रखना होता है नीचे. और अब हम निकल चुके हैं लॉक करके अपना रूम. लेट्स गो डाउन स्टेयर्स. देख रहे हो सामने इतना सारा टिफ़िन, वहीं पे मेरा भी एक टिफ़िन रखा जाएगा. और चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ. अभी 9 बज रहे हैं और यही ऑफिस के अंदर लाइब्रेरी है. फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी. हम फर्स्ट फ्लोर वाले में जा रहे हैं. यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करना होता है. और अब हम अपने एरिया में आ गए हैं लाइब्रेरी के और यहीं पर हम बैठते हैं. और यहाँ एसी ऑन नहीं है सो हमको एसी ऑन करना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह उतने लोग नहीं आते. टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं इतना ठंडा में तो उतना नहीं. 22 ठीक है. हाँ,
और अब होगी पढ़ाई। शांत रहना होता है यहाँ पे, बिल्कुल भी हल्ला नहीं करना होता है, एकदम ज़रा सा भी नहीं। लाइब्रेरी में सब चुपचाप होके पढ़ते हैं, तो अब मैं भी पढ़ूंगी, हम भी पढ़ेंगे, मतलब प्रैक्टिकल कॉपी का इंडेक्स नहीं लिखे हैं, तो वही लास्ट मोमेंट का काम कुछ होता है, वही लिख रहे हैं। उतना ज़्यादा भी डर नहीं है आज के वाइवा का, बट स्टिल पूरी तरीके से प्रिपेयर तो रहना ही होता है। और पेन गलत टाइम पे ख़राब हो जाता है, बक हो गया है गैस, बहुत लिख लिए। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिकल के अलावा पढ़ना भी तो होता है, थ्योरी वगैरह भी तो होता है। तो बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मास्क इरिटेट कर दिया हमको। मास्क के बिना पढ़ेंगे, एसी में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, रूम में बस ये नहीं मिलता है फैसिलिटी। ये भी एक रीज़न है लाइब्रेरी में आके पढ़ने का, एसी वाला, उसके अलावा सो भी सकते हैं। अच्छा सॉरी, अब टाइम हो गया है, आधा घंटा पहले निकलना हुआ है हमको, ठीक लगता है तो हम नीचे उतर रहे हैं। सामने वाला सबसे डिपार्टमेंट जो दिख रहा है वही माइक्रो डिपार्टमेंट है, हमको ऑल द बेस्ट बोलो सब लोग, हम जा रहे एग्ज़ाम देने। और अब हम एग्ज़ाम देकर आ गए अपना वाइवा, वाइवा मेरा अच्छा रहा, मेरे साथ मेरा टिफ़िन भी है, उसमें मिल चुका है हमको लंच, और अब हम आराम से बैठकर अपना टिफ़िन खाएंगे। बट इसमें क्या है वो अभी नहीं बताना है, क्योंकि उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे मेस से कैसा खाना आता है और क्या, तब मज़ा आएगा, एक ही वीडियो में सब थोड़ी डाल देंगे। सो अब तुम लोग थोड़ा वेट कर लो। तो अब हम अपना आराम से टिफ़िन खाएंगे। वैसे बॉयज़ हॉस्टल से टिफ़िन जो आती है उसमें खाना टेस्टी रहता है, देखते हैं क्या है। स्मेल तो अच्छी आ रही है, बताएंगे नहीं पर क्या है। बट जो भी अच्छा है, टैब में मूवी चलाकर खाना खाना मेरा आदत है, एंड आई लाइक दैट आदत। और अब एकदम अच्छे से टिफ़िन धुल चुका है बहुत ही मेहनत से। तो जनरली हम लंच करने के बाद सोते नहीं हैं, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, उसको हम दूसरे चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं, या तो अगर हमको वीडियोस नहीं बनानी होती है तो हम इसी टाइम पे खाना खाने के आई गेस 10 मिनट बाद तक ही लाइब्रेरी चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर अगर हमको वीडियो बनानी है तो इसी टाइम पर हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। सो ये मेरा ट्राईपॉड स्टैंड और रिंग लाइट है, जिसके हेल्प से हम वीडियोस बनाना शुरू किए हैं कुछ दिन से, मतलब ये नया नया ही आया है, उसके पहले नहीं बनाते थे। और आज वैसा कुछ वीडियो बनाने का सीन नहीं है, तो अभी हम थोड़ा सा रुक के आएंगे, आधा घंटा रुक के फिर लाइब्रेरी जाएंगे। सो अब लाइब्रेरी जाने लगे हम वापस से, और इस बार हम फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर जाएंगे, ताकि मतलब ऐसे हम फर्स्ट फ्लोर ही जाते हैं, बट आप लोगों को दिखाने के लिए कि सेकंड फ्लोर कैसा, आज सेकंड फ्लोर में चलो बैठा जाए लाइब्रेरी में, दिखाया जाए सेकंड फ्लोर। ये है सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी का, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और अब हम अपने एरिया में बैठ चुके हैं, अपना बैग अपना बॉटल निकाल के, आज सोच रहे हैं फार्मा फिफ्थ सेम का पढ़ना शुरू करें, आज ही ख़त्म हुए एग्ज़ाम्स लिए फिफ्थ सेम का पढ़ेंगे। मेरे पास ये टैब है जिसमें हम पढ़ते हैं, और ये सारे चैप्टर्स हैं फार्मा के। फार्मा अच्छा लगता है हमको कंपेरेटिवली। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आज पढ़ने का सोचे हैं। सो मेरे पास मेरे टैब में प्रेप लैडर भी है, मैरो भी है, दोनों में से कोई भी एक से जिससे कंफर्टेबल लगेगा पढ़ लेंगे। सो मैरो से पढ़ना शुरू किया हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लाइब्रेरी में पढ़ते भी हैं कुछ टाइम, ठंडा में एसी में सो भी जाते हैं, ऐसे ही करते करते मतलब टाइम बीत जाता है। कुछ ख़रीदना होता है तो लाइब्रेरी के बाद चले जाते हैं। वैसे आज कुछ नहीं ख़रीदना था, तो हम वापस रूम में जा रहे हैं, 7 बज गया अप्रॉक्स और रूम में आ चुके हम, अब डायरेक्ट सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए बाहर भी नहीं गए कुछ ख़रीदने के लिए आज। कुछ टाइम बाद हम सो के उठ चुके हैं, और अभी हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। अभी हम या तो यूकुलेले बजाएंगे, या फिर हम पेंटिंग करेंगे, या फिर हम कुछ पोएट्री लिखेंगे, जो भी हमको दिल करेगा इस टाइम हम अपने फ्री टाइम में करेंगे। आई विल बी शोकेसिंग माई हॉबीज़ इन अदर वीडियोज़, सो इस वीडियो को मैं मतलब हम उतना लंबा नहीं करेंगे, इसमें सब कुछ बजा के दिखाएं, पेंट करके दिखाएं, उसके लिए अलग आएगा मतलब वीडियो। और अब जैसे कि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो अब डिनर का टाइम है, बट डिनर हम रात में टिफ़िन नहीं मंगाते हैं हॉस्टल से, हम रात में या तो मतलब खुद से कुछ बना लेते हैं, या फिर हम कुछ ऑर्डर करते हैं। और आज क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो ऑब्वियसली आज कुछ ऑर्डर करेंगे। चेक करते हैं जोमेटो पर आज क्या ऑर्डर करना है, फिर आराम से मतलब मूवी देखते देखते खाएंगे। सो गाइज, आई एम ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा, और अब पिज़्ज़ा ऑर्डर हो चुका है, थोड़ी देर में आएगा, उसके बाद हम खाएंगे, उसके बाद हम
मूवी देख सो जाएंगे। सो गाइज, पिज़्ज़ा आ चुका है जो हम और मेरी फ्रेंड शालिनी साथ में खाएंगे और मूवी देखेंगे, और बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है पिज़्ज़ा को देखकर। अब गेस करिए आप सबके पिज़्ज़ा कौन सा होगा। साथ में सैनिटाइज़र भी दिया गया है, नया चीज़ देखे हम, अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है कि साथ में हैंड सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं ये लोग। गुड डोमिनोज। ये तो पिज़्ज़ा मेनिया वाला ऑनियन वाला पिज़्ज़ा है, और ये चीज़ बर्स्ट के साथ पनीर वाला पिज़्ज़ा है। साथ में मूवी भी लग चुकी है और अब हम लोग खाने जा रहे हैं, साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। बाय बाय। सो रात के बज गए 11 और मच्छरदानी लग चुका है, कूलर भी ऑन हो चुका है, और अब ये मेरे सोने का टाइम है। सो दैट्स वॉज ऑल आई गेस मेरी पूरी दिनचर्या। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट वट एवर यू लाइक एंड ऑल्सो लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। See you soon in the next video.